आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम बिना ग्रिल मशीन के तवे पर ही बहुत अच्छे सैंडविच बना सकते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लव लाइफ। आज हम बनाने वाले हैं वेज चीज़ सैंडविच। तो इसके लिए हमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके इंग्रेडिएंट्स हम सैंडविच बनाने के टाइम पे देखेंगे। इसमें से सिर्फ मैंने चटनी पहले से बना के रेडी रखी थी और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए जल्दी से सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने आटा ब्रेड यूज़ की है। आप चाहें तो अपनी पसंद की कोई भी ब्रेड यूज़ कर सकते हैं। उसमें इस तरीके से हम ग्रीन चटनी लगा देंगे। सैंडविच की चटनी थोड़ी सी तीखी रहती है तो उस हिसाब से यूज़ करें। तो इसके ऊपर इस तरीके के बॉइल्ड पोटैटोज और टोमेटोज चॉप किए हुए रख देंगे। उसके ऊपर मैं थोड़ी सी शिमला मिर्च और थोड़ी सी कैबेज को इस तरीके से चॉप करके रख रही हूँ। अब हम इसके ऊपर इस तरीके के ककड़ी के स्लाइसेस रख देंगे। इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा नमक। उसके साथ ही हम इसमें डालने वाले हैं थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसमें डालेंगे इसका मेन मसाला यानी कि चाट मसाला पाउडर। फ्रेंड्स, काली मिर्च पाउडर बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है तो उसे ज़रूर डालें। इसके ऊपर हम इस तरीके का ग्रेट किया हुआ चीज़ डालेंगे। अब दूसरी ब्रेड पर इस तरीके से बटर लगा देंगे। आप चीज़ भी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जिस स्लाइस पर हमने बटर लगाया है उसी पर इस तरीके से टोमेटो केचप डाल देंगे। अगर आपको सिर्फ तीखा फ्लेवर चाहिए तो आप टोमेटो केचप को स्किप भी कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा चाट मसाला फिर से ऐड कर रही हूँ। अब दूसरी ब्रेड को पहली ब्रेड पर रख देंगे। अब हम दूसरी सैंडविच भी इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। तो चलिए सेम स्टेप्स इस पर भी अप्लाई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जब कुछ समझ ना आए तो ये सैंडविच बना लीजिए। घर में पड़े इंग्रेडिएंट से ही बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। और ये तवे पर ही हम बनाने वाले हैं तो इसके लिए ग्रिल मशीन की भी ज़रूरत नहीं है। तो हमारी दोनों सैंडविचेस बनके रेडी है। तो चलिए अब एक तवा ले लेते हैं, उसे मीडियम फ्लेम पे गरम करके उस पर थोड़ा सा बटर लगा देते हैं। अब हम रेडी किए हुए सैंडविचेस को उस पर रख देंगे। आप इसमें बटर की जगह पे घी या फिर तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो लगभग 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम इस साइड पर बटर लगाकर साइड को फ्लिप कर लेंगे और फिर इसे ढककर दूसरी साइड भी 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। तो 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और हमारी सैंडविच बनके रेडी है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा, इसे बनाने के लिए हमें ग्रिल मशीन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तवे पर ही हम बहुत ही अच्छी वेज चीज़ सैंडविच बना सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे अपने रिव्यूज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग लव लाइफ।